इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की तरफ कर लेते हैं। चंडीगढ़ से आ रही है, मंत्रिमंडल की बैठक में 5 एजेंडे जो हैं वो पेश होंगे। मिनिस्टर्स का भत्ता बढ़ाए जाने को लेकर एजेंडा पेश किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए विभाग का गठन, साथ में जीएसटी के रूल्स को लेकर सीएम को अधिकार देना, ये भी इस 5 में शामिल है। जो 5 एजेंडे आज मंत्रिमंडल की जो अहम बैठक होने वाली है उसमें पेश होंगे। मिनिस्टर्स का भत्ता बढ़ाए जाने को लेकर एजेंडा, साथ ही आपको बता दें कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए विभाग का गठन, इसके अलावा जीएसटी के जो रूल्स हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री को अधिकार देना। आपको जानकारी दे दें कि आज कैबिनेट के विस्तार के बाद मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम नए मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये आज की बैठक बुलाई गई है। शाम 4 बजे के करीबन ये बैठक शुरू होगी। साथ ही अब इसमें कौन कौन से एजेंडे शामिल होने वाले हैं उसको लेकर भी जानकारी आ चुकी है। बाकी की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ राकेश गुप्ता जी फोन लाइन पर हैं। राकेश जी, मंत्रिमंडल की बैठक में 5 ऐसे एजेंडे हैं जो कि पेश होंगे, ये जानकारी मिल रही है? अब बिल्कुल, देखिए अभी जो है ये जानकारी है कि 5 एजेंडा जो है शामिल किए गए हैं। इनमें प्रमुख जो है वो मंत्रियों की अलाउंसेस बढ़ाए जाने को लेकर है, और दूसरा जो ग्रामीण इलाके में शराब के ठेके खुलने वाले हैं उनकी बिल्कुल उनकी मंजूरी के बिना ना खोला जाए। तीसरा जो एजेंडा है वो यही है कि एक जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग की स्थापना करने को लेकर है, और इसके साथ एक महत्वपूर्ण एजेंडा ये है कि उसमें जो है जो ये पंचायत समितियां और जिला परिषद हैं विधानसभा की तर्ज पर, उनमें भी जो है हर छह महीने के बाद 3 दिन का सत्र बुलाया जाए, वो अपने इश्यूज तय करें और ये सत्र जो है 8 घंटे से 1 दिन में कम ना हो, यानी कि 24 घंटे का कम से कम हो। और इसको लेकर अगर आज कैबिनेट की मोहर लगती है तो एक बड़ा फैसला होगा और ये पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने की दिशा में और ज्यादा महत्वपूर्ण उस दिशा में कदम उठाया जाएगा सरकार जो है। जी पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक में ये 5 एजेंडे जो हैं वो पेश होंगे। मिनिस्टर्स के भत्ते बढ़ाए जाने को लेकर एजेंडा है, ग्रामीण इलाके में शराब के ठेकों के बारे में भी एजेंडा जो है पेश किया जाएगा। इसके अलावा जीएसटी के रूल्स को लेकर मुख्यमंत्री को अधिकार देने के बारे में, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के जो विधानसभा की तर्ज पर हर 6 महीने में सत्र बुलाए जाने पर भी जो फैसला है उस पर आज की कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है, ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो आज की ये बैठक और उस बैठक के बारे में तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 बजे का वक्त है कैबिनेट की इस बैठक में। इसके बाद आपको बता दें कि काफी अहम ये बैठक इसलिए भी है क्योंकि आज इंट्रोडक्शन भी होगा, जो नए मंत्री शपथ लेके अपना कार्यभार संभाल के कामकाज के लिए निकले हैं उनके लिए भी आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिशा निर्देश उनको दिए जा सकते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से भी, और आगे के कामकाज को लेकर भी इसमें चर्चा जो है वो की जा सकती है। तो चलिए आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बार जो बैठक में एजेंडे जो पेश होंगे उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस बात को लेकर पहले से ही चर्चा करते आ रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसे अहम महत्वपूर्ण बातों को लेकर चर्चा होगी। अब ये बात भी स्पष्ट हो गई है, चाहे मिनिस्टर्स के भत्ते बढ़ाए जाने को लेकर एजेंडा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए विभाग का गठन हो, साथ ही जीएसटी के रूल्स को लेकर भी मुख्यमंत्री को अधिकार देने के बारे में, इस पर भी आज जो है जो एजेंडा है वो पेश हो सकता है। ग्रामीण इलाके में, क्योंकि ये हालांकि ग्रामीण इलाके में जो शराब के ठेकों के बारे में इससे पहले इसको जननायक जनता पार्टी की तरफ से अपना जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें भी उसको शामिल किया गया था, लेकिन आज इस पर जो है चर्चा होती है नहीं होती ये भी स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से हमने देखा कि अभी तक दोनों के जो अलग अलग मैनिफेस्टोज हैं उसको लेकर कोई बात नहीं हुई, इसीलिए अभी इस पर संभावना हालांकि कम बन रही है, लेकिन बाकी के जो हम आपको एजेंडे बता रहे हैं जिस पर आज चर्चा भी संभव है और उसको आपको ये भी बता दें कि उस पर पेश भी वो हो सकते हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ केवल ढींगरा जी फोन लाइन पर इस वक्त हैं। केवल ढींगरा जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी बिल्कुल, नमस्कार। केवल ढींगरा जी, आज मंत्रिमंडल की बड़ी अहम बैठक है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी अपने आक्रामक रूप में नजर आ रही है, अलग अलग जगह हल्ला बोल है, लेकिन एक खास बात, इस बार की बैठक जो आज होने वाली है इसमें कुछ खास एजेंडे, उस पर आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहती हूँ। मिनिस्टर्स के भत्ते बढ़ाए जाने को लेकर खास एजेंडा है, इसके अलावा जो ग्रामीण इलाकों में शराब के ठेके हैं उसको लेकर भी, क्या कांग्रेस का इस पर स्टैंड है? नहीं देखिए, इनको अपने मैनिफेस्टो पूरे करने चाहिए। इन्होंने ये कहा था कि जो विस्की के ठेके हैं जो वो गांव से बाहर निकलेंगे, तो इनको जेडीपी का एजेंडा था, अब उस एजेंडे पे इनको काम करना चाहिए और फौरी तौर पे गांव के सरपंचों से पूछने का इसमें प्रावधान नहीं होना चाहिए और सीधा फौरी तौर पे जो ठेके हैं वो बाहर निकाल देने चाहिए। अगर इन्होंने किसी से पूछ के काम करना है तो ये फिर गलत प्रथा जो है अपने मैनिफेस्टो से बदलने की है। इनको अपने मैनिफेस्टो में रहना चाहिए और जेजेपी को ठेके जो हैं गांव से बाहर निकाल देने चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं। बीरेंद्र जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, मैं जी। बीरेंद्र जी, आज की मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी पहले से, अब एक और जो खबर आई है वो ये है कि पांच ऐसे एजेंडे हैं जो कि पेश हो सकते हैं, उसमें आपकी जरा मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी, जैसे ग्रामीण इलाके में शराब के ठेकों को लेकर क्या कुछ आज जो है आगे के लिए सरकार कर सकती है, मिनिस्टर्स के भत्ते बढ़ाए जाने को लेकर भी आज एजेंडा जो है वो पेश किया जा सकता है? देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या आएगा या क्या उसका एजेंडा है वो एक तरह से गोपनीय आधिकारिक दस्तावेज होता है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता। मंत्रिपरिषद जब बैठती है, मंत्रिपरिषद उसके सम्मुख आने वाले एजेंडे पर चर्चा करती है, चर्चा करके कुछ निर्णय, उसको स्वीकार करना, अस्वीकार करना, सुधार करना, उसके बाद बाकायदा प्रॉपर ब्रीफिंग की व्यवस्था है। मंत्रिपरिषद के अंत में एक मंत्री किन्हीं को अधिकृत कर दिया जाएगा, वो आकर के मीडिया को उसमें लिए गए निर्णयों पर बात करेंगे। तो एजेंडा क्या है और उसमें क्या होने की संभावना है, इस पर इस नाते से चर्चा करना उसका अपने को अधिकार नहीं है। बिल्कुल, और यही हम बीरेंद्र जी कह भी रहे हैं कि ये जो बैठक हो जाएगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, फैसला तभी आ पाएगा। प्रतिक्रिया इस पर आपके लिए रहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बीरेंद्र जी आप जुड़े, केवल ढींगरा जी आप भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आपका भी। आज की बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मंत्रिमंडल की बैठक में पांच एजेंडे पेश होंगे, मिनिस्टर्स के भत्ते बढ़ाए जाने को लेकर एजेंडा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए विभाग का गठन, जीएसटी के रूल्स को लेकर मुख्यमंत्री को अधिकार देने के बारे में, ये सारी जो बातें हैं वो आज के विषय की जो चर्चा है इस पर होगी। हालांकि 4 बजे बैठक का समय है, बैठक में क्या कुछ रहता है खास, किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है उस पर नजरें लगातार बनी रहेंगी, क्या इस पर बातचीत होती है, क्या चर्चा होती है, इसको लेकर भी लगातार बातचीत और चर्चा और जो भी अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटते हैं।